वाराणसी लोकसभा सीट के चुनावी नतीजे ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। नतीजे खुद बोल रहे हैं कि भाजपा ने जिन बिरादरी पर भरोसा कर गले लगाया था, उन्होंने बाजी पलटने में भूमिका निभाई। ऐसे में चुनाव परिणाम प्रभावित होने से भाजपा प्रत्याशी पीएम नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर 3 लाख से ज्यादा मतों से कम होना आश्चर्य की बात नहीं है। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के मुकाबले को कांटे का बनाने में इस बार संसदीय सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं ने भागीदारी निभाई। शहर दक्षिणी के मतदाताओं ने अलग ही इतिहास लिखा। 5 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ शहर दक्षिणी ही ऐसा जहां पीएम मोदी 1 लाख वोट का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। जिस रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा, वही पाला बदलकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आए। अजय राय को मिले कुल वोटों का 40.74% 72 साल के इतिहास में कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है। पिछले 10 साल से बनारस के सांसद पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम को ले या गंगा घाटों को नया रूप देने के साथ नया नमो घाट बनवाने या फिर पक्का महल, पुराना शहर के मोहल्लों को स्मार्ट बनाने सहित या काम हो, सब कुछ शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के खाते में है। बावजूद इसके चुनाव परिणाम के आंकड़े बताते हैं कि शहर दक्षिणी के मतदाताओं ने पीएम मोदी को 1 लाख से कम यानी 97,878 वोट ही दिए। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय को इस विधानसभा में 81,000 से ज्यादा मत मिले। पोस्टल बैलेट में भी अजय राय पीएम मोदी से कुछ ही वोट पीछे रहे। पीएम मोदी को 1,531 तो अजय राय को 1,373 वोट मिले। बनारस संसदीय सीट के सेवापुरी और रोहनिया विधानसभा में भूमिहार और पटेल मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में पिछले चुनाव में मिले भारी मतों ने पीएम मोदी की जीत की मार्जिन बढ़ाई थी। भाजपा ने भूमिहार मतदाताओं को साधने के लिए चुनाव से ठीक पहले धर्मेंद्र राय को एमएलसी बनाया तो पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह को वाराणसी लोकसभा सीट के चुनाव संचालक की महती जिम्मेदारी दी। भाजपा के प्रभारी अश्वनी त्यागी भी इसी बिरादरी के हैं। यही नहीं, प्रचार में भूमिहार नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई। भूमिहार नेता तप्ती दोपहरी में भी लगातार 2 महीने तक सेवापुरी व रोहनिया के एक एक भूमिहार मतदाता के घर पहुंचे। अपना दल एस के नेता पटेल मतदाताओं को साधते रहे। इससे लगा था कि ये दोनों इलाके पीएम मोदी का बेस बनेंगे, लेकिन ईवीएम खुली तो परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला रहा। मतों के आंकड़ों से साफ है कि स्वजातीय बंधुओं के साथ ही पटेल बिरादरी भी अजय राय का साथ देने में पीछे नहीं रही। पीएम मोदी के बनारस सीट से तीसरी बार 1.5 लाख मतों के अंतर से जीतने में सबसे बड़ा योगदान कैंट विधानसभा के मतदाताओं का है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी को सर्वाधिक करीब 1.5 लाख के आसपास मत कैंट में ही मिले। दूसरे नंबर पर शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ भी पीएम मोदी को वोट बरसे। पीएम मोदी के जीत के मतों का अंतर कम करने में शहर दक्षिणी के मुस्लिम मतदाताओं की प्रमुख भूमिका रही है, जो एक तरफा अजय राय के साथ रहे। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी अतहर जमाल लारी की ओर मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव नहीं दिखा।